बीवियां पार्टी कर रही है, हम यहाँ बच्चे संभाल रहे हैं। शराब खत्म हो गया, कॉफी पिला के मारोगे, क्या कर रहे हो? ओ ये साहब, दारू के बाद कौन कॉफी पीता है? हम तो पीते नहीं है। मैंने अरे लोडेड है तो कोई लेकर आओ ना। अरे तू बेटा, आप सोई नहीं अभी तक? कुछ चाहिए क्या आपको? बताओ। अरे जीजा बेटा, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो? सब ठीक तो है? क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा? कोई बुरा सपना देखा? बताओ बेटा, कुछ तो बोलो। मैं आपको नहीं बताऊंगी कुछ भी। अरे तो किसे बताओगी? अप्पा, मैं सिर्फ किरण आंटी को बताऊंगी और किसी को नहीं। बेटा लेकिन वो तो लेडीज पार्टी में है ना, आप उनसे भी कैसे बात कर सकते? अरे तो क्या हुआ, बच्चे की बात भी इम्पोर्टेंट है ना। किरण आंटी के पास जाना ना, हम अभी जाएंगे। ऋषि वाला बॉम्ब फेल होगी, ये बॉम्ब जरूर काम करेगा। आओ चलो, जा लेके जा। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्षितिजा को किरण से बात कर, तुमने क्या बात करी? देखो किरण, देखो इन्हें, बात करनी तुमसे कुछ। मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? क्षितिजा, क्षितिजा क्या हुआ बेटा, आप अभी तक सोए नहीं? अब वो नींद ही नहीं आ रही उसे, पता नहीं किसी बात को लेके बहुत ज्यादा नाराज है। कह रही है किरण को ही बताऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ वरना हम थोड़ी आते तुम्हारी पार्टी बिगाड़ने। हम ऐसा क्या हुआ बेटा, आप नाराज क्यों हो? क्या हुआ? आओ चल यहाँ बैठो, अभी मुझे बताओ क्या हुआ। किरण आंटी, इस शादी में मेरा रोल इम्पोर्टेंट है ना? हाँ बेटा, आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो फिर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी है? किसने बोला कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है? पता है श्रवण ना आपके लिए गार्लैंड्स लेके आने वाले हैं। जब आप घर पे आओगे तब पीहू आपके ऊपर फ्लावर पेटल्स डालने वाली है, और अनन्या दीदी को भी पार्टी ने काम दिया पर मुझे नहीं। बेटा आप तो बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा क्या? कोर्ट में जब मेरी और आपके पापा की शादी होगी ना, तो जो हम रिंग एक दूसरे को पहनाएंगे उसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कैसी है? बहुत अच्छी है, है ना? और ये जिम्मेदारी आपकी है, जब भी आप कोर्ट में आओगे ना ये रिंग्स लेके आओगे। यस यस, मैं सब बहुत अच्छे से मान लूंगी। मैं पीयू और अनन्या दीदी को अभी बता के आती हूँ। अरे किरण, तुम क्षितिजा को कितने अच्छे से हैंडल कर लेती हो, उसे समझती कितने अच्छे से हो। हाँ किरण, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तू क्या हंस रहा है? कल शादी, अरे तुम लोग को हो गया आज की पार्टी? कुछ ज्यादा नहीं होगा आज? अरे अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। एग्जैक्टली, अब एक मिनट, जल रहा है कुछ जलने की स्मेल आ रही है क्या लेडीज? अब जीजू आपको कहीं जलन तो नहीं हो रही है? जलने की स्मेल नहीं आ रही है? हेलो, तुम लोग को आदत ना अकाल की है, अचानक मिठाई की दुकान मिली ना हाजमा खराब हो जाएगा तुम लोग का। आदत नहीं तुम लोग को पार्टी की, प्लीज बंद करो ये सब, तुम लोग को सच्ची सूट नहीं करता है। हो गया ना जूस उस पीना, अभी क्या पूरा पेड़ बना हो गया? एक मिनट, जूस से मुझे कुछ याद आ रहा है कि कल इनकी बैचलर्स पार्टी थी ना, तो मैंने सुना था कि वहां से तो आप लोग कुछ जूस वूस पी के इस तरफ वापस आए थे, इज इट बाला जीजू? एक मिनट, किसने बोला तुम्हें हम जूस पी के आए? कल इनकी बैचलर्स नाइट पे ये लोग कर्नाटक म्यूजिक सुन के आए। I think dal and rasam shayad, right? And rasam also. Yes. Chhas also. Chhas also. Chhas ka hangover tha subah. Very nice. तेरे साथ आज के बाद कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, तेरा मुंह बंद नहीं रहता। अरे यार, हाँ अब से सिर्फ मणि के साथ पार्टी करेंगे। उसका तो नाम ही मत लेना सच्ची, अगर एक खून माफ होता ना, एक खून माफ होता ना तो आज हम लोग सच्ची बता रहे हैं मणि के फोटो पे फूल चलाता। मणि के चक्कर में फंस गया, तेरे अप्पा को ना मैं माफ नहीं करूंगा कभी। इसलिए इनके सर में दर्द हो रही थी सुबह। सुनो सुनो, तो ये बात जो है वो है, हो गया छास भी गया है तो आ गया, हम क्या कर सकते हैं, वी गॉट स्टक हियर। आप जाके सो, हमारी पार्टी बाकी है, जाओ। यस बट अरे
बंद करना। आज कोई और आ रहा है इस घर में, तुम्हारे बाला की लाइफ में, पर मैं जानती हूँ करना, तुम इस बात को लेकर बहुत खुश होगी। अम्मा अक्का जरूर खुश होंगी। किरण ही तो है जो कि अक्का की तरह इस घर का ख्याल रख सकती है, उनके बच्चों का ख्याल रख सकती है, उतना प्यार दे सकती है। अक्का को उनकी खुशी से बढ़कर और चाहिए ही क्या था। She'll be happy, अम्मा। अच्छा सुनो, आप ये देखो पट्टू साड़ी ये मैं लाई हूँ, किरण आज शादी में यही पहन लेगी, कैसी है? परफेक्ट है ईशु। पेरी अम्मा, पेरी अम्मा, वो किरण को जो गिफ्ट्स देने हैं ना, उन सब की पैकिंग हो गई। ओह नाइस। अच्छा क्या बेका, अब इसी एज में तो मैं आधी चीजें भूल जाती हूँ। पेरी अम्मा। अम्मा अच्छा वो आपने गहने निकाल लिए अक्का की तिजोरी से, अक्का वाले जो थे किरण को देने? हाँ ईशु, वो जो वंदु के ससुराल से गहने आए हैं ना, वो मैं क्षितिजा के लिए रख रही हूँ, उसकी मैरिज में उसको दे दूंगी। अच्छा। अपनी अम्मा की कोई निशानी होगी ना उसके पास, पर जो मैंने बनाए थे ना वंदु के लिए, वो मैं किरण को दे दूंगी। नहीं सब रोना आ रहा है। क्यों हूँ अम्मा? थैंक्स अम्मा, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छा चलो मैं सबके लिए कॉफी बना कर देती हूं। कॉफी टाइम। अच्छा सुनो, ऋषि से बात हुई तुम्हारी, कुछ फाइनल हुआ? वो ऋषि ने कहा है कि वो कुछ सैंपल्स भेजेगा मुझे। ओके, उसे बोलो थोड़ा सा जल्दी करे, क्योंकि किरण तो आज आ जाएगी। कब काम शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा? मैं करती हूँ उसे कॉन्टेक्ट, मैं बताती हूँ आपको कि उसने क्या कहा। राइट। अरे जीजू, आपने साड़ी देखी क्या? सीधा भला का मैसेज? अरे ये औरत तो मुझे परेशान कर रखती है। मैं डिजाइन्स का वेट कर रही हूँ, ये असाइनमेंट जल्दी पूरा कर लो, और ये मत सोचना कि तुम सच छुपा लोगे। मेरे पास विटनेस है जिसके कारण तुम जेल भी जा सकते हो। मैसेज कर दिया जीजू, हम देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। नहीं भी रिप्लाई करता है अगर तो ठीक है, मैं जाके खुद ही विजिट कर लूंगी। इसे फॉलो अप करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सर अम्मा एक कॉफी मेरे भी बना दो प्लीज। अरे मुझे पता था तुम यही होगी। बाला तूने बताया इन सबको क्या कि तूने तेरा माइंड चेंज कर लिया, शादी नहीं करनी? हाँ? क्या? हाँ यार एक्चुअली तुम सीरियस होने के लिए पैदा हुई हो यार। कैसी हम लोग मजाक कर रहे हैं, कम ऑन। भी मजाक करते हो, मजाक सच में धीरे होते ये लोग। एक मिनट, हेलो माइन जी, हाँ बोल रहा हूँ। क्या लेकिन इतना कम टाइम में कैसे, लेकिन अचानक से ऐसे? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये शादी कैसे होगी। क्यों क्या हुआ क्या बाला बोला? अरे रजिस्ट्रार ही अवेलेबल नहीं है आफ्टर लंच। मतलब पहले हमारा 3 बजे का अपॉइंटमेंट था, अब वो लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग 12 बजे आ जाइए, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। कैसे होगा सब कुछ इतना जल्दी? हो जाएगा, हो जाएगा बाला, स्ट्रेस मत ले, पैनिक मत कर। मुझे तो किरण को भी रेडी करना है, वो भी रेडी नहीं हुई है। सब हो जाएगा, सुनो तुम और मैं चल के किरण को रेडी करते हैं, और रमन सबको घर से टाइम पर ले जाने का काम आपका है। रमन अभी कॉफी पीने का टाइम नहीं है। अरे टेक अवे तो दे दो कम से। चलो ना, मैं बच्चों को तैयार कर। चलो ठीक है, कॉफी बाद में पी लेंगे। बाला मैं बाकी सबको बोलता हूँ। हाँ प्लीज। विश्वा ये ड्रेस है ना, क्षितिजा को देना, मैं रेडी हो जाती। अरे तुम ही दे देना ना, मुझे भी तैयार होना है। बहुत अजीब लग रहा है ये सब। नहीं लगेगा, 2 मिनट रुको ना। आलिया तुम आओ, मैंने तुम्हें हर कमरे में ढूंढ लिया। मुझे पहले बताओ किसके साथ ज्वेलरी क्या पहनो, समझ ही नहीं। रुकना यार, मेरे मेरे फैमिली में परेशान हो गया। अरे कहाँ है सब लोग यार, टाइम हो चला है वहाँ, रजिस्टर ने बुलाया था। अरे अरे रमन, अरे तू यार बाराती तो दूर की बात, पूरा भी रेडी नहीं, क्या कर रहा है? अरे यार मेरे कपड़े ड्राई क्लीनर के पास है, मैं उठाना ही भूल गया, मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं से तैयार होकर सीधा कोर्ट पहुंचो। अरे कहाँ है सब लोग यार? ओफो पापा, आप सब पर चिल्लाते रहते हो, पहले आप खुद को तो देखो, आप तो पूरी तैयार भी नहीं हुए हो। अरे लो हम ही रेडी नहीं हुए। अच्छा चलो मैं रेडी था, तुम सबको जमा करो। ओके मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह वेरी स्वीट, एकदम प्रिंसेस लग रही है हमारी क्षितिजा। थैंक यू। पार्टी कहाँ? अब वो भी तैयार हो रही है, मैं अभी देख के आती हूँ।
कि वो लोग तैयार हुए नहीं। हाँ हाँ तोशी जी, मैं सबके फोटोग्राफ भिजवा दूंगा आपको, टेंशन मत। पापा चलो ना, अभी किससे बात कर रहे हो? तेरी माँ को फोटोग्राफ चाहिए सबके। मम्मी को फोटो का बड़ा शौक। अरे यार ये क्या कर रहे हो? अरे भाई इतने कांजी भरम नहीं संभलती मुझसे, मैं परेशान हो गई हूं। टाइम देखो यार। अच्छा सब लोग रेडी है ना? वो आलिया को ना टाइम लगेगा, हम सबको तैयार कर रही थी, बेचारी खुद तैयार हुई नहीं अब तक। ये रहे यार। अरे हमने तो रोज गार्डन मंगाया था, तुम ये गेंदे के फूलों की माला क्यों ले? गेंदा गेंदे ही लाएगा ना, चल ले चल। अरे चल फुटबॉल। चलो सब हो गए ना रेडी, चले। मेरा फोन, अनन्या एक सेकंड मेरा फोन लेके आना जरा प्लीज। आप लोग ना बहुत टाइम लगा रहे हो, मैं आका के साथ जा रही हूँ किरण को लेके कोर्ट, ठीक है? रेडियो के जल्दी आ जाना जीजू प्लीज, इन सब लोगों को लेकर। क्षितिजा तुमने रिंग रख ली है ना? हाँ पीहू, मैंने इसमें रिंग रख ली है अप्पा और किरण आंटी की। अच्छी बात। अरे अम्मा कहाँ रह गई? अम्मा, अरे अप्पा कहाँ है? अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। चलो चलो चलो, देर हो रही है, चलो सब चलो। रूही जल्दी आओ। हाँ आ गए, हमने सब आ गए। चीजू कितना लेट हो। दीज लेडीज टेक टाइम टू गेट रेडी, मैं क्या करूँ यार? देखो सब आ गए, यही तैयार हो रहे होंगे मुझे पता। नहीं नहीं, मैं सबको लेके आया। देखो अरे किरण कहाँ है? किरण नहीं आई अभी। ओ किरण कहाँ है? कल तक तो मतलब आप सुबह शोर नहीं थे ना, मतलब। अरे कंट्रोल करो, चलो अंदर चलो चलो ठीक है, चलो सब अंदर चलो। अम्मा बहुत प्यारी लग रही हो। किरण कितनी सुंदर लग रही है। वाला कितना घूरेगा, इसके बाद दूर नहीं तुझे। हाँ ऋषि वाधवा का मैसेज। अरे तू क्या कर रही है? रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना, अंदर चलना। रमन वो एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे, मैं करके आती हूँ ना। आप लोग आए सर, रजिस्ट्रार बुला रहे हैं। अरे आप लोग चलो, मैं उनको लेके आया। तेरे कॉल खत्म ही नहीं, उनको बोल तो आज कोई दाती तोड़ेगा, तू रिश्ता जोड़ेगी। चला रमन, रमन थोड़ा इम्पोर्टेंट है प्लीज। मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आना है। आप यहाँ साइन कर दीजिए। श्योर है ना? बोला इशू का है? अरे कोई डेंटल इमरजेंसी है तो बाहर है फोन पे। तो भाई तू साइन करना, आ जाएगी। ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप रिंग लाए हो तो एक दूसरे को पहना सकते हैं। अजीब औरत है यार, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट सेरेमनी चल रही है और ये पता नहीं कहाँ है बाहर, कहाँ है मद्रास में यार।
मैं सबके लिए ना चाय बनाती हूँ। और हुई भी आपको भूख लगी ना, मैं मिठाई लेके आई। नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी। और वैसे भी मैं किरण आंटी और बाला अंकल मंदिर से और प्रसाद लाने वाले हैं, तो रहने दो। एक काम करो, मिठाई और चाय वगैरह सब मुझे दे दे यार, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है भैया। विश्वा, ये दिल्ली वाले कमाल करके सर को नहीं आए। आ जाए यार, कुछ काम हो। अम्मा क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया? शादी भी हो गई, अब क्या हुआ? तुम्हारी वाइफ से पूछो, है किधर वो? ना शादी में थी ना घर पर है, बस काम काम काम। तुम भी कुछ नहीं बोलते उसको। कैसे बोलूं, मेरी सुनती कहां आपकी बेटी? मैंने कितना कहा उसको, घर की शादी है, घर का फंक्शन है, पेशेंट तो बाद में भी आ जाएंगे। हां मां, घर का फंक्शन है, बाला की शादी है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? अभी भी नहीं आई है। अकेली डॉक्टर है क्या पूरे दिल्ली में? और कोई डेंटिस्ट नहीं? वो तो जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है बेटी में। और कैसे बोलूं, लेकिन अम्मा मैं सब झांसी की रानी आपकी बेटी, आप जानती हैं। अयो, वो झांसी की रानी है तो मैं झांसी की रानी की अम्मा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप उसकी अम्मा हूँ, दिखा दो। अच्छा सुनो, अपनी सास के लिए, मतलब मम्मी जी के लिए सब कुछ करती है, लेकिन अपनी माँ के लिए कुछ नहीं। ऐसी चमक मारूंगी ना तो मेरी तरफ से भी। अम्मा मैं कह रहा हूँ, एक से कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी बहुत दिक्कत है। नहीं नहीं, मेरी का जो सही है वो सही है। यार कह रही हूँ माँ, हाँ फैमिली की पड़ी नहीं है। मैंने कितना समझाया उसको, कहीं कभी कभी सास को खुश करती है, कभी पेशेंट को। प्रेशर ऊपर जा रहा, देखो अम्मा का ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, इसलिए तो पड़ी नहीं है। मुंह मीठा नहीं, सॉरी, क्या करूं मैं, आपकी बेटी समझती नहीं है अम्मा। देखिए चिता जी, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। नहीं करूंगी ब्लैकमेल, पर उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। ठीक, हाँ, सुजाता ग्रेवाल मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ लाइक करता था। अब वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। अब कोई लड़की तैयार है तो फिर मैं क्यों मना करता? लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। और ना ही मैंने उसे कोई वादा किया कि मैं उसे शादी करूँगा। उसे साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो मेरा दिमाग खाने लग गई थी। फिर एक दिन गुस्से में आके मैंने उस पर हाथ छोड़ दिया। मुझे लगा शायद अब पीछा छोड़ देगी, पर वो इतनी जिद्दी थी कि उसके बावजूद ही वो मेरे साथ रहना चाहती थी। फिर एक दिन पता लगा दैट शी इज प्रेग्नेंट। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर सुजाता तुमसे प्यार करती थी तो फिर वो निखिल के साथ कैसे? अरे निखिल, पूरा फेलो, वो बेचारा तो फंस गया। सुजाता की उसके हर बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो उसकी बहन का पति जो था। तो क्या इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था? नहीं नहीं, निखिल तो उसके भाई जैसा था। भाई जैसा? अगर निखिल उसके भाई जैसा था तो फिर वो उसका अबॉर्शन कराने क्यों ले गया? बच्चे को अबॉर्शन कराने का सुजाता का प्लान था। इनफैक्ट निखिल तो उसके खिलाफ था, पर उसको सुजाता के साथ जाना पड़ा, क्योंकि सुजाता ने उसको कसम दी थी कि वो उसकी हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी वो, इसलिए निखिल को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसका मतलब है निखिल बेगुनाह था, उसे वही कर रहा था जो सुजाता ने उससे करने के लिए कहा। देखिए चिता जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आगे जो भी हो उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना, और अगर मेरी शादी में कोई भी मुसीबत आई तो मैं आप पर डेफेमेशन का केस फाइल कर दूंगा। सो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मुझे आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई निखिल को लेके, और उसकी गलत फहमी की वजह से हम भी निखिल को गलत समझ बैठे, और मेरी बेटी का दिल टूट गया। निखिल बुरा आदमी नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।